अब अगर ये फोन नहीं लगाना तो मैं इसका प्लग उखाड़ के बीच सड़क किसी बस के आगे फेंक दूंगी जिसकी लेडी कंडक्टर हो। ए, किस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है भाई? पिछले 2 घंटों से मैं एक नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग रहा ही नहीं है, कंटिन्यूस एंगेज आ रहा है। अरे सामने वाले का फोन खराब होगा। फोन खराब नहीं है, मैंने चेक किया है। इधर ला, अब फोन ट्राई करता है। बोल नंबर, बोल। 6201890। ये स्टूपिड, ये तो अपना ही नंबर है। तो मैंने कब कहा कि बसंती टांगे वाली का नंबर है? अरे अपने ही फोन से अपना ही नंबर डायल करेगी तो ऑब्वियसली एंगेज मिलेगा ना। कैसे? वो जाके MTNL वालों से पूछ। स्वीटी, जहाँ से सवाल किया जाता है वहाँ से जवाब कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? देख, मैं अपने आप को सवाल करूंगी और खुद ही जवाब दूंगी। स्वीटी, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। तेरी शादी का कोई चक्कर वक्कर चला कि नहीं? अरे कैसी शादी और कैसा चक्कर? बिना बिना जल्दी बाहर आ जाओ। बिना बोलो किसने सताया है? आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो मुंबई छोड़ के सतारा भाग जाएगा। ए सतारा, बैठ, चले बैठ। ये जो तेरी पागल बेटी है ना स्वीटी, वो अपने ही फोन से अपना ही नंबर घुमा रही है और बोल रही कि एंगेज लग रहा है। देख। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हेलो, हाँ MTNL, हाँ मुझे एक छोटी सी कंप्लेन लिखवानी है। हाँ हाँ, वो क्या है ना, हमारे टेलीफोन से हमारा ही नंबर नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए ना बस आप भी तो बस ये काम नहीं कर सकते थे क्या? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ये छोटी सी कंप्लेन नहीं है, ये मेजर फॉल्ट है, इसके लिए चीफ इंजीनियर को राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। बिना, मुझे कभी कभी लगता है कि तू स्वीटी की सौतेली माँ नहीं है, सगी माँ। जरा चीज बटर कम खाया कर, तेरे दिमाग में भी चर्बी चढ़ गई है। शादी नहीं कर देते हम आपको इस भूल के लिए माफ नहीं करेंगे। ए, क्या कहते हैं बोल? जब तक आप अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते मैं इस घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा। मत खोल, मुझे क्या करना है? वैसे इस घर में तुम लोगों को मिलने लोग ज्यादा आते हैं, मुझे मिलने तो कौवा भी नहीं आता। सीधी बात है, मिलने लायक लगो तो कोई मिलने आए ना। जाके दरवाजा खोल, मेहमान नसीब वालों के घर में आते हैं और मेहमान को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। जा। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे टूटे उसी को नजर। इतनी हंस क्यों रही है? दरवाजे पे जॉनी लीवर खड़ा है क्या? नहीं, पूजा आंटी खड़ी है। सच्ची मैं कहूँ ना, बस बस मैं इसीलिए हंस रही थी, ये इतने बार कह चुकी है आज मत कहो ना, आज मत कहो ना, कि बच्चे घर घर खेलने के टाइम अब मम्मी पापा नहीं बनते, एक बनती है पूजा आंटी और दूसरा बनता है सुनील अंकल और तीसरा बच्चा के कहता है कैसी हो पूजा आंटी, तो वो कहती है आंटी मत कहो ना। देख अमीना, तेरी बेटी मुझे बदनाम कर रही है। अरे वो शेर नहीं सुना आपने? बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना, के हम आपको आंटी पूजा कहेंगे। पूजा मत कहो ना, पूजा इनके पास ध्यान मत देना। हाँ।
हाँ, क्या है वो बहाना ढूंढते है हमेशा टाइम पास करने के लिए। मुझे एक बात बता, तू यहाँ कुछ लेने आई है या कुछ बताने आई है? क्या मैं हमेशा बताने आती हूँ आनंद भैया? भैया मत कहो ना। तो क्या सैया कहेगी? आई डोंट माइंड। क्या कहा? सैया कहने तो दो, इस चुड़ैल के बदन में घुसकर मालगाड़ी के नीचे न सो जाऊं। क्या बात है पूजा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो? मैं ये पूछने आई थी कि आप लोगों के पास कोई अच्छा डिजाइनर है? क्यों, बुरखा सिलवाना है क्या? नहीं नहीं, वो पोस्टर डिजाइन करने वाला। क्यों आंटी, मत कहो ना कि पोस्टर बनाने हैं। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, मेरा मतलब है मेरे डांस के शो होने वाले हैं। हम आपको खानदानी औरत समझते थे, आप गुजरे वाली निकलोगी ये हम लोग ने सपने में भी नहीं सोचा था। हे भगवान, हे भगवान, बीना तेरे बच्चे कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकते क्या? देखो पूजा आंटी, आंटी मत कहो ना। हम लोग के आंटी ना कहने से तुम आंटी मिट जाने वाली हो क्या? आपको आंटी कह के कि हमने आपको इतना फेमस कर दिया है कि आपके नाम का मंदिर खोले ना तो लोग आपकी पूजा करने आएंगे। माइथोलॉजिकल सीरियल के लिए मेरे को एक फैंटास्टिक टाइटल मिल गया, पूजा आंटी की पूजा। आंटी मत कहो ना। अच्छा अच्छा, मुझे ये बात बताओ आपका कौन सा शो कहाँ हो रहा है? यू नो, मैं पहले क्लासिकल की स्टूडेंट थी, तो ये बात ना इनके एक फ्रेंड जो अमेरिका से आए हैं ना उन्हें पता चली। उन्होंने मुझसे कहा, कह रही भाई फॉरेन में तो इंडियन आर्ट का बहुत बड़ा क्रेज है, तो वहाँ क्यों नहीं करती? कहाँ लेकर जा रहे तेरे को, दुबई या सिंगापुर? देखना क्लासिकल डांस के नाम पर तुझे होटल में ना नाचना पड़े। अरे चुप्पे, आंटी लोगों से उन लोग कैदरे नहीं कराते। आंटी मत कहो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ ना तुम्हारा शो कहाँ हो रहा है? तैशो इंग्लैंड में, तैशो अमेरिका में। अमेरिका ऐसे इतरा कर बोल रही है जैसे बिल क्लिंटन इसे व्हाइट हाउस में नाचने बुलाने वाला। पूजा तू शो के लिए इंग्लैंड और अमेरिका जाएगी? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे आजकल भिंडी बाजार के बार में बाजा बजाने वाला भी इंग्लैंड अमेरिका जाता है शो के लिए। ए काजल, ये तू नहीं ना, तेरी जलन बोल रही है। अच्छा बीना मैं चलू, रियाज का टाइम हो रहा है, मास्टर जी आने वाले होंगे। जाओ जाओ, लेकिन इतने झटके मत खाओ पूजा आंटी। आंटी मैं कहना। इसकी जात को ये पूजा का कुछ करना पड़ेगा, हर दूसरे दिन कोई नया पैतरा लेकर आ जाती है। एक काम करते हैं, हम लोग है ना सुनील अंकल को भड़का देते हैं कि पूजा शो के बहाने उसके फ्रेंड के साथ भागने का प्लान बना रही है। सुनील को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इतना चालू है कि बोलेगा हाँ भाग रही है तो भागने दो और खुद गंगा के साथ घर बसा लेगा। हमें कुछ ऐसा करने पड़ेगा कि पूजा आंटी के शो का पार्टी ही उखड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? अच्छा नहीं लगता? वो हमारे घर में आके अपनी बातों से हमें चला के जाती है। बच्चों ये जहरीला पेड़ उगने से पहले इसे जड़ से उखाड़ दो। मीना, तू माँ है या मोगेम्बो की बड़ी बहन? बच्चों को टोकने के बजाय उन्हें तोप देकर भेज रही है तू। अपन के पास एक धांसू आइडिया है, पूजा आंटी का शो बर्बाद करने के लिए। हम प्यारे का सौदा करते हैं एक बार, चाहे मर जाए। ए, इस सोसाइटी में फेरी वालों का आना मना है। छोड़िए ना, आपको गलत फहमी हुई है, मैं फेरी वाला नहीं हूँ। अबे झूठ मत बोल, कल ही मैंने तेरे पास से चना जोर गरम खाया था, कहाँ है तेरा टोकरा? देखिए आपको गलत फहमी हो गई है, मैं नृत्य शिक्षक हूँ। खुद तो ऐसे चलता है जैसे कटी पतंग, तू क्या किसी को नृत्य सिखाएगा? देखिए ऐसे भाषा में मेरे साथ बात मत कीजिएगा। हाँ अबे ढक्कन, लगता है तू देवानंद की पिक्चरें बहुत देखता है। सीधा खड़ा रहे, चल सीधा खड़ा रहे। अरे देखिए मैं पूजा जी को डांस सिखाने जा रहा हूँ, मुझे जाने दो ना, देरी हो रही है। अच्छा चल पहले हम लोग को नाच कर दिखा। हाँ अभी हम लोग ये गाना गाएंगे, गोली मार भेजे में, उस पे तू हम लोग को नाच के दिखा चल। अरे बाबा मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मैं ऐसे गाने पे नृत्य नहीं कर सकता। ए शाणे, नाचता है के नहीं बोल, वरना चाकू घुसा दूंगा। बोल, नाचता है के नहीं बोल। नाचता हूँ, नाचता हूँ। चल मिडल में खड़ा रहे, 1 2 3 गो। गोली मार भेजे में, ये भेजा शोर करता है, भेद की सुनेगा तो मरेगा कल्लू।
बहुत हो गया, अभी कल आना समझाना। और हाँ, कल दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा गाने पे नाचने की प्रैक्टिस करके आना। क्या? हाँ, और अगर नहीं नाचाना तो तुझे चौपाटी तक दौड़ाएंगे। हे राम। चल चल अभी भाग यहाँ से। वो अपनी आंखें ऐसे मटका रहा था जैसे उसके भेजे में किसी ने गोली मार दी हो। एक काम करो, उसको दो चार दिन और तंग करो ताकि वो हमारी सोसाइटी का रास्ते भूल जाए। ऐसे तो पूरी दुनिया में बवाऊ है कि तेरे बच्चों को देखकर लोगों के बच्चे बिगड़ गए और तू तो और साथ दे रही इनका है? अच्छा, मेरे बच्चे निर्दोष मस्ती करते हैं तो लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। अरे सत्या और बैंडिट क्वीन जैसी पिक्चरों में खून की नदियां बहती है, गोलियों की बौछार होती है और वो टैक्स फ्री हो जाती है, तब लोगों के बच्चे नहीं बिगड़ते? हमेशा उल्टा ही जवाब देगी तू। अरे मेरे बच्चों पर कोई इल्जाम लगाएगा तो मुझसे एक की चार सुनेगा। अरे बच्चे दूसरों की हरकतें देखकर नहीं बिगड़ते, माँ बाप की हरकतें देखकर बिगड़ते हैं। हाँ, अपुन का एक जर्नलिस्ट दोस्त है संजय शाह, उसने पार्टी में 50 लोगों के सामने अपनी बीवी से कहा एक रख के दूंगा ना, तो दूसरे दिन उसके बच्चे ने गली के नुक्कड़ पे जाकर कहा एक रख के दूंगा ना। और वो डॉक्टर जेहान नारू वाला हर रोज रात को अपने घर में बोतल खोल कर बैठता है, उसकी बेटी बाहर जाकर बोलती है सर्दी हो रही है एक पैग ब्रांडी मार लो। बहस करने में तो इनसे बैरिस्टर का बाप भी नहीं जीतता। सच बात है ना, बहस तो करेंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे बच्चों को देख उनके बच्चे बिगड़ते हैं, उन्हें कहना बच्चों के सामने ना चलो, मियां पति की जेब से पैसे न चुरा, पति बीवी को आए हुए टेलीफोन दूसरे कनेक्शन से ना सुने। मारवाड़ी से हफ्ते में उसल पाव की सेटिंग की है क्या? अरे नहीं बाबा, आज से पूरा हफ्ता
भी डांस की प्रैक्टिस करने वाली है। डांस? ये तेरा नाचने का जुनून अब तक कम नहीं हुआ है? जानी, कौन है जानी? हम वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। बोलो। पूजा जैसी चिपकलियां हमें चैलेंज करके चली जाए और हम चुप बैठे रहे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सुनाई दे रहा है मुझे? एक वर्ड तीन बार बोलने की कोई जरूरत नहीं। पीछे क्या कर रही थी? डैडी, मैं सोफे के पीछे छुपकर बेल बजने का इंतजार कर रही थी। छुपकर दुश्मन पे हमला करने वाली बात सुनी थी, लेकिन छुपकर दरवाजा खोलने का आइडिया हमारे घर में हो सकती है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मास्टर जी, आप आज मेरे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी मैं अपने घर को, कभी अपने माँ के बालों में लगे हुए रबर बैंड को देखती हूँ। प्रणाम मास्टर जी। जीती रहो, जीती रहो। कौन आया बापू? अपनी